हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक कंपैरिजन करने वाले हैं। एक दो बुक का रिव्यू है, एक शंकर श्रीराम ये इसका इंडियन इकोनॉमी और संजीव वर्मा का इंडियन इकोनॉमी। ये दोनों मतलब यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन आ जाता है कौन सा मतलब किस कौन सा बुक पढ़ो। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, पहले बहुत सारे लोगों से पूछते हैं तो उसका माइंड चेंज होता रहता है। तो एक मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, ये दोनों बुक का कंटेंट क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक श्रीराम का बुक आपको पता है, दिल्ली में मैक्सिमम एस्पिरेंट्स इसको ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट का बुक है और इसका आउटपुट रेशियो भी ज़्यादा है और जो नंबर ऑफ पेजेस है कुछ 300-325 उतना ही है उसके। दूसरा है संजीव वर्मा, ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है, काफ़ी छोटा बुक है, ठीक है, कुछ 300 पेजेस ही है और एक जनरल आइडिया काफ़ी अच्छी तरह से दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसमें काफ़ी सारा पोइन इनकॉर्पोरेटेड है, बट इकोनॉमिक्स अगर मेंस वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, प्रीलिम्स के लिए भी अगर इसके साथ आप करंट अफेयर्स मैच किया तो काफ़ी अच्छी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कंटेंट्स देखा तो कुछ देखो लाइक मनी एंड बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इन्फ्लेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो सब इसमें आराम अच्छी तरह मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा लाइक इंडियन इकोनॉमी का कुछ चैलेंजेस, आउटलुक्स, तो कुछ क्वेश्चंस भी दिया है आखिर में डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो इसमें प्रेजेंटेशन अगर संजीव वर्मा का देखा तो आप देखो फॉन्ट काफ़ी बड़ा है और एरिया भी काफ़ी अच्छा अच्छा दिया है, मतलब इतना कंजेस्टेड राइटिंग नहीं है, पढ़ने के लिए काफ़ी सरल तरीके से लिखा है। मतलब अब कोई भी है आराम से ये वाला इकोनॉमिक्स ये जो चैप्टर्स है इसका संजीव वर्मा का आराम से समझ सकते हैं। बट जो क्वांटिटी ऑफ लाइक कंटेंट्स इतना ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ जितना इसमें है। इसमें जो कंटेंट आप अगर देखना है तो देखो मतलब इन्फ्लेशन जो भी है एक एक इम्पोर्टेंट पॉइंट वाइज लिखा है, दो हेज फंड क्या है, वेंचर लाइक एंजल इन्वेस्टर्स क्या है, तो हमारा यूपीएससी का फॉर्मेट में लिखा है। कभी कभी एंजल इन्वेस्टर्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक चीज़ आराम से आप पॉइंट वाइज ले लेके पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो टैक्सेशन और इसका प्रेजेंटेशन में अगर चला जाए तो काफ़ी स्पेस में अच्छी खासी दिखा है और एक हर एक चीज़ मैक्सिमम सरल लैंग्वेज में छोटा एक एरिया में कवर किया है, तो रिविशन करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप टेबल्स भी दिया है कभी कभी और लाइक द वे प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है इसमें जो दिया है, और पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इतना एरिया में दिया है, कुछ 300 पेजेस, 325 पेजेस है और भी कम हो जाएगा क्योंकि जैसे इस बुक में आप देखो छोटे छोटे लिखा है तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी मतलब इसमें से एक पेज मतलब इसमें से दो पेज इतना मतलब क्वांटिटी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ था और इसका ये दोनों अगर खरीदना चाहते हो तो आपको ऑटोमेटिकली जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिया है, ओके। तो संजीव वर्मा का एक खास बात है, एक छोटा बुक है और आपको काफ़ी अच्छा आइडिया भी दे रहा है, और इसके दूसरा एक बात है काफ़ी सारे टॉपर्स भी रेकमेंड कर रहे हैं जो बुक को, ठीक है। बट मैक्सिमम कंटेंट के लिए कुछ लोग श्रीराम ASP प्रेफर करते हैं और रमेश सिंह भी कर रहे हैं, तो श्रीराम और रमेश सिंह और संजीव वर्मा और रमेश सिंह का रिव्यू भी मैंने डाला हुआ है कंपैरिजन करके आपको एक आइडिया मिलने के लिए, ठीक है। और प्राइस दोनों का मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, अंडर 200 के अंदर ही आ रहा है, तो उसका आपको लिंक में मिल जाएगा इसका प्राइस क्या है। तो ओवरऑल क्या बता सकते हैं, ए बुक भी आपका पर्पस कंप्लीट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ए भी कर रहे हैं, बट अगर इकोनॉमी में पूरा आपको मतलब क्वेश्चन आंसर करना है तो आपको इसके साथ आपको पता है जो इकोनॉमिक्स लाइक एनवायरमेंट सब्जेक्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स ड्रिवन है, तो करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आपको बेसिक आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके साथ आपको जो मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए उधर से, लाइक अगर कुछ चीज़ हमारा GDP में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो GDP आके आप पढ़ सकते हैं, बैंकिंग में कुछ आ रहा है तो मनी एंड बैंकिंग में चले जाओ, NPA प्रोग्राम आ रहा है तो इसमें भी जाके NPA का टॉपिक है, जो वो सब चीज़ करंट अफेयर्स ड्रिवन आपको पढ़ाई करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें से कोई भी बुक आप ले सकते हैं। बट ये वाला बुक थोड़ा पॉपुलर चल रहा है स्टूडेंट एस्पिरेंट्स के ऊपर दिल्ली में, मैंने बहुत सारे लोग इसको पढ़ के प्रीलिम्स क्लियर भी किया है, ठीक है। और इसके साथ एक और बुक आप मेरे को आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल इकोनॉमिक्स में आइडिया नहीं है, मतलब बेसिक टर्म्स का कन्फ्यूजन बार बार हो रहा है, उसके लिए सब लोग ये प्रेफर करते हैं, एक इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट करके एक बुक है शंकर गणेश करपे का, काफ़ी पॉपुलर बुक है। इसमें क्या है काफ़ी मतलब 150 या 160 पेजेस ही है टोटल, इसमें हर एक चीज़ को
लाइक मेन मैप्स, हर एक जो छोटे छोटे हमारा जो इम्पोर्टेंट टेम्स है, तो कभी कभी बुक को और न्यूज़पेपर में डायरेक्ट टेम आ जाता है, NNP इतना हो गया करके, तो NNP का मतलब हमें पता नहीं है, तो वो चीज़ इसमें एक एक टेम्स को अच्छी तरह इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है, लाइक कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स क्या होता है, तो स्पेशल फ्लोटिंग, मतलब एक एक छोटे छोटे चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। अगर आपको बिल्कुल इकोनॉमिक्स के बारे में आइडिया नहीं है तो ये बुक देखो 140 पेजेस का है, आराम से आप इसको कवर कर सकते हैं, मतलब 3 4 दिन में आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते, 4 और 5 डेज में, तो डिपेंड्स किसको कितना टाइम लगेगा, बट एक बार ये पढ़ लिया, उसके बाद करंट अफेयर्स भी इनकॉर्पोरेट किया तो काफ़ी अच्छी तरह से आपका पेपर जा सकता है। ठीक है, तो ये था कंपैरिजन ऑफ श्रीराम अय्यर वर्सेस इंडियन इकोनॉमी संजीव वर्मा। ओके, अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आपको दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ये वाला वीडियो, क्योंकि उन लोगों को भी यूज़ आ सकता है। ओके, और अगर खरीदना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये जो बुक्स का लिंक मैंने ऑलरेडी दिया है, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।